आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में ऑडियो बुलेटिन। नमस्कार, ये समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया है। अब आप साई न्यूज की समाचार श्रृंखला में बुधवार 3 जनवरी 2024 का प्रादेशिक ऑडियो बुलेटिन सुनिए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि जिलों और विधानसभा क्षेत्रों में उपलब्ध संसाधनों के आधार पर रोजगार आधारित औद्योगिक इकाइयों की स्थापना के लिए 5 वर्षीय रोडमैप तैयार किया जाएगा। साथ ही प्रदेश और जिलों के उद्योगपतियों की जिला स्तर पर इन्वेस्टर समिट आयोजित की जाएगी। उन्होंने कहा कि अभी भी कई सेक्टर ऐसे हैं जहां निवेश और रोजगार के असीमित अवसर हैं। उन सेक्टरों पर फोकस किया जाएगा। उन्होंने स्थानीय उद्योगपतियों को प्रोत्साहित किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने आज जबलपुर में आयोजित विकास कार्यों की समीक्षा बैठक में यह निर्देश दिए। उन्होंने जनजातीय जिलों बालाघाट, मंडला और डिंडोरी की वनीय परिस्थितियों को देखते हुए कहा कि उद्योगों के लिए जहां बिजली की समस्या है, वहां के लिए एक अलग योजना और कार्यक्रम बनाया जाएगा। इन क्षेत्रों में वहां की जलवायु और परिस्थितियों को देखते हुए पशुपालन और पर्यटन जैसे क्षेत्रों को बढ़ावा दिया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने इन जिलों में माइनिंग और डेयरी व्यवसाय पर फोकस करने को कहा। राज्य शासन के उद्योग विभाग द्वारा महाकौशल क्षेत्र में आगामी नवीन परियोजनाओं की तैयारी की गई है। इनमें सिहोरा में 1379 एकड़ क्षेत्र में प्रमुख अधोसंरचना ट्रंक इंफ्रास्ट्रक्चर कार्य प्रस्तावित है। इसकी अनुमानित लागत 240 करोड़ रुपए है। इसी तरह औद्योगिक क्षेत्र बुरकलखापा सिवनी में 11 करोड़ रुपए की लागत के कार्य, ग्राम सिमरा एवं कैलवारा खुर्द कटनी के रहती में ही लगभग 400 एकड़ में कटनी से 20 किलोमीटर दूर व स्टेट हाईवे से 3 किलोमीटर और हरिद्वार रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूरी पर स्थापित करने की योजना है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेश के कुनो नेशनल पार्क में नामीबियाई मादा चीता आशा द्वारा 3 शावकों के जन्म पर हर्ष व्यक्त करते हुए चीता परियोजना से जुड़े लोगों, वन्य जीव प्रेमियों और नागरिकों को बधाई दी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि एक समय था जब एशिया की धरती से चीता समाप्त हो गया था। आज 3 नन्हे मुन्ने चीता शावकों ने जन्म लिया है। यह विश्व की विशेष घटना है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि कुनो नेशनल पार्क में चीता परियोजना की सफलता इन 3 शावकों के जन्म से स्थापित होती है। इसकी परिकल्पना प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने पारिस्थितिकी संतुलन के उद्देश्य से की थी। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि यह परिकल्पना साकार होते हुए देखना रोमांचकारी है। चीता परियोजना में सभी स्तर के अधिकारियों, कर्मचारियों और विशेषज्ञों ने परिश्रम से कार्य किया है। 3 शावकों का जन्म इस परियोजना की सार्थकता को बढ़ाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि शाजापुर में ट्रक ड्राइवरों की बैठक के दौरान जिस प्रकार की भाषा का उपयोग अधिकारी द्वारा किया गया वह कतई उचित नहीं है। कलेक्टर नरसिंहपुर सुश्री रिजु बाफना को शाजापुर का नया कलेक्टर बनाया गया है। शाजापुर के कलेक्टर श्री किशोर कुमार कन्याल को स्थानांतरित कर भोपाल में उप सचिव बनाया गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हम गरीबोत्थान के लिए कार्य कर रहे हैं। यह सरकार गरीबों की सरकार है। मैं स्वयं मजदूर परिवार से आता हूं। हमारी सरकार में इस प्रकार का व्यवहार सही नहीं होगा। ऐसी भाषा बोलने वाले अधिकारियों को मैदान में रहने का अधिकार नहीं है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने जबलपुर रवाना होने से पहले भोपाल के राजकीय विमानतल पर कहा कि मैं इस घटना से बहुत पीड़ित हूं। ऐसे प्रकरणों में किसी को क्षमा नहीं किया जा सकता। अधिकारियों को मनुष्यता के नाते सभी व्यक्तियों के काम और उनके भाव का सम्मान करना चाहिए। आशा है भविष्य में अधिकारी अपने व्यवहार और भाषा का ध्यान रखेंगे। ये समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया है। अब सुन रहे हैं साई न्यूज की समाचार श्रृंखला में बुधवार 3 जनवरी 2024 का प्रादेशिक ऑडियो बुलेटिन। प्रदेश की आर्थिक राजधानी कहे जाने वाले इंदौर शहर में एक मंदिर तैयार किया गया है, जिसे गुरुवार को रंजीत अष्टमी के मौके पर लोग देख सकेंगे। इस मौके पर यहां सुबह 5 बजे प्रभात फेरी निकाली जाएगी, जिसमें अयोध्या में बन रहे श्री राम मंदिर की प्रतिकृति आकर्षण का प्रमुख केंद्र होगी। शहर में इस बार 4 दिनी रंजीत अष्टमी महोत्सव मनाया जा रहा है। 4 जनवरी को प्रभात फेरी में अयोध्या में बन रहे राम मंदिर की प्रतिकृति प्रस्तुत की जाएगी। अयोध्या के रामलला के मंदिर की तर्ज पर यह विशाल मंदिर बनाया गया है। मंदिर समिति ने समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को बताया कि रंजीत हनुमान मंदिर समिति के तत्वावधान में बनाया गया रामलला का यह मंदिर 40 फीट लंबा और 15 फीट चौड़ा है,
जबकि इसकी ऊंचाई 21 फीट है। इसे पश्चिम बंगाल से आए 10 कलाकारों ने बनाया है। अयोध्या के श्री राम मंदिर की आकृति को हूबहू उतारा गया है। यह मंदिर एक माह में तैयार किया गया है, जिसे 16 पहिए की गाड़ी पर रखकर प्रभात फेरी में घुमाया जाएगा। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने जबलपुर संभाग में कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा की है, साथ ही कई बड़े निर्देश दिए हैं। उन्होंने अधिकारियों के साथ पुलिस के कामकाज की समीक्षा की है। समीक्षा के दौरान सीएम मोहन यादव ने कहा कि जिलों में पुलिस थानों की सीमाओं का निर्धारण 15 जनवरी तक पूरा कर लिया जाए। इसके लिए एसडीएम स्तर पर सभी जनप्रतिनिधियों की बैठक कर विचार विमर्श किया जाए। उन्होंने थानों की सीमाओं के प्रारंभिक निर्धारण के बाद दावे आपत्तियों का निराकरण किया जाए। सीएम ने कहा कि 15 जनवरी तक सीमा निर्धारण संबंधी सभी प्रक्रियाएं पूरी कर ली जाए। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि प्रभावी आतंक गुंडे और बदमाशों पर सख्त कार्रवाई की जाए। उन पर शिकंजा कसा जाना ज्यादा आवश्यक है, ताकि निचले स्तर तक यह संदेश पहुंचे कि प्रशासन द्वारा आपराधिक कृत्यों में लिप्त किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि केवल छोटे अपराधियों के विरुद्ध ही कार्यवाही नहीं हो, बल्कि बड़े आतंक अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। कानून और नियम का उद्देश्य भी यही है। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि खुले में मांस मछली के विक्रय पर सख्ती से प्रतिबंध लगाएं। ये समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया है। अब सुन रहे हैं साई न्यूज की समाचार श्रृंखला में बुधवार 3 जनवरी 2024 का प्रादेशिक ऑडियो बुलेटिन। नए साल की शुरुआत में मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क से खुशखबरी आई है। यहाँ मादा चीता ने 3 शावकों को जन्म दिया है। मादा चीता आशा ने कूनो पार्क में 3 शावकों को जन्म दिया है। तीनों शावक अभी स्वस्थ बताए जा रहे हैं। कूनो नेशनल पार्क में 17 सितंबर 2022 को 8 चीते लाए गए थे। यह सभी चीते नामीबिया से लाए गए थे। मादा चीता आशा उन्हीं में से एक है। अब यहाँ चीतों और शावकों की कुल संख्या 18 हो गई है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कूनो नेशनल पार्क में जन्मे चीते के तीनों शावकों का एक वीडियो भी शेयर किया है। इसमें तीनों शावक स्वस्थ नजर आ रहे हैं और उन्हें चहलकदमी करते भी देखा जा सकता है। मध्य प्रदेश का 4 बार मुख्यमंत्री रहने के बाद दिसंबर 2023 में शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री निवास रिक्त कर दिया है। वो भोपाल के अपने बतौर सांसद 74 बंगले में उस समय आवंटित हुए सरकारी शिफ्ट हो गए। घर खाली करने से पहले शिवराज ने सीएम हाउस में पूजा पाठ किया और सभी कर्मचारियों से मुलाकात किए। लोगों को अपना नया पता बताते हुए उन्होंने कहा कि आपके मामा के दरवाजे हमेशा आपके लिए खुले रहेंगे। सीएम हाउस खाली करने के बाद शिवराज सिंह चौहान भोपाल के बी 8 74 बंगले में शिफ्ट हो गए। अब उन्होंने अपने बंगले का नाम रखा है। शिवराज सिंह चौहान के घर के सामने एक बोर्ड लगा है, जिस पर मामा का घर लिखा है। गौरतलब है कि पूर्व सीएम को मामा के नाम से भी जाना जाता है। नए आवास पर शिफ्ट होते समय उन्होंने कहा था कि जब भी आपको अपने मामा की जरूरत हो आप बेहिचक कर आइए, आपकी सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा, यह मैं वचन देता हूँ। नए बंगले का नाम रखने के बाद शिवराज सिंह चौहान ने कहा, पूरा मध्य प्रदेश मेरा परिवार है और परिवार के रिश्ते पदों से नहीं जुड़ते हैं, ये दिल से और आत्मा से जुड़ते हैं। ये रिश्ते पदों के साथ समाप्त भी नहीं होते हैं। मेरा भांजे भांजियों से प्यार का रिश्ता है। ये प्यार और विश्वास की डोर कभी नहीं टूटेगी। मामा का घर वाले सवाल पर पूर्व सीएम ने कहा, देखिए मैं तो जहां रहूंगा वो मामा का ही घर है, प्यार का घर। सीहोर में एक प्रोग्राम में पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा, कई बार राजतिलक होते होते वनवास भी हो जाता है, लेकिन वो किसी न किसी उद्देश्य के लिए ही होता है। चिंता मत करना, मेरी जिंदगी आप लोगों के लिए ही है। इस धरती पर इसलिए आया हूँ कि आप सभी की आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा। प्रदेश में ट्रांसपोर्टरों की हड़ताल खत्म हो गई है और आज सभी जगह स्थिति सामान्य है। कल रात सरकार और ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने भी सभी चालकों से काम पर लौटने की अपील की थी। केंद्र सरकार ने ट्रांसपोर्टरों को आश्वासन दिया है कि हिट एंड रन प्रावधानों को लागू करने से पहले उनके साथ चर्चा की जाएगी। पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, चंबल और सागर संभागों के जिलों में कहीं कहीं वर्षा दर्ज की गई है।
खजुराहो में सबसे कम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। मौसम विभाग ने कल भी रीवा संभाग के जिलों सहित भोपाल, इंदौर, गुना, शिवपुरी जिलों में कहीं कहीं बारिश होने का येलो अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा छतरपुर, सीहोर, भोपाल जिलों में घने कोहरे को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। यहां दृश्यता 50 मीटर से भी कम रहने की संभावना है। इस बीच आगरमालवा जिले में ठंड ने असर दिखाना शुरू कर दिया था, जिसके चलते चारों ओर कोहरे की चादर देखी जा रही है। शिवपुरी में भी कड़ाके की ठंड जारी है, यहां 3 दिन से सूरज नहीं निकला है। सतना में शीतलहर का दौर जारी है, कोहरा और सर्द हवाओं के साथ कड़ाके की ठंड से सतना जिले में जनजीवन प्रभावित है। आप सुन रहे थे समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज की समाचार श्रृंखला में बुधवार 3 जनवरी 2024 का प्रादेशिक ऑडियो बुलेटिन। बृहस्पतिवार 4 जनवरी 2023 को एक बार फिर हम ऑडियो बुलेटिन लेकर हाजिर होंगे। इसके साथ ही साई न्यूज में ज्वलंत विषयों पर लिमटी की लालटेन रोजाना सुबह 7 बजे देखना न भूलें। यदि आपको ये ऑडियो बुलेटिन पसंद आ रहे हो तो आप इन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अभी आपसे अनुमति लेते हैं। जय हिंद।